नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्टर हो रही। ये आप कॉइल देख रहे हैं, ये कॉइल होंडा CD डीलक्स की है। जी हाँ, होंडा CD डीलक्स। इसके ऊपर का जो चकनट होता है वह खुल जाने के कारण ये सारे ग्रिफ्स टूट गए हैं। ये ग्रिफ्स होते हैं जो ये देख रहे हैं आप, ये सारे ग्रिफ्स टूट गए हैं। ये हमारे यहाँ रिपेयर के लिए आई हुई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी यदि आप मैग्नेट कॉइल बाहर निकालें, सर्वप्रथम आप लोगों को जो इसका चकनट का बोल्ट होता है पल्ले का, उसका बहुत ही ध्यान देना है। उस बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर देना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा स्क्रू के पहले ऊपर हैवी बॉन्ड लगाओ, इसके बाद स्क्रू को कस दो। किसी भी स्क्रू को यदि आपको अच्छे ढंग से ठीक तरीके से कसना है तो उसका सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, देख लो आप लोग, ये मैक्सो बॉन्ड होता है। करना क्या है आपको, सभी मैकेनिक भाइयों के लिए विशेष जानकारी, के ऊपर पहले ये लगाओ। ये लगाने के बाद में इस स्क्रू को आप जहाँ पर इसको कसना है वहाँ पर इसको कस दो आप। कभी भी अपने आप झटके से चलते हुए कभी ये स्क्रू बैक नहीं होगा और ना ही ये खुलेगा। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे हो कि मुझे जब खुलना तो क्या करें। यदि आपको हैवी बॉन्ड लगे हुए स्क्रू को और खोलना है, सबसे बेहतरीन तरीका उसका एक होता है, कहीं भी जहाँ भी ये हैवी बॉन्ड लगा हुआ स्क्रू लगाओ, उस जगह को आप थोड़ा सा सिगरेट लाइटर से थोड़ा सा गर्म कर दो। हल्का सा, जैसे ही आप गर्म करेंगे स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे, ये बैक हो जाएगा और आराम से खुल जाएगा। तो ये सावधानी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसके आप लोग ध्यान करिए। एक हैवी बॉन्ड आपकी पूरी बोल्ट की नट की बैक होने से बचत करता है। दूसरी, एक हैवी बॉन्ड आपकी पूरी कॉइल की लाइफ को बनाए रखता है। अब ये कॉइल हम पूरी रिटर्न बाइंडिंग करेंगे इसकी, तो दोबारा इसको रिवाइंड करेंगे, बल्कि यूँ कहिए कि हम इसमें एक नया डाटा डालेंगे जिससे जो हमारी हेडलाइट है वो प्रॉपर सही आ जाए। आजकल कितनी भी होंडा बाइक हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टेड है थोड़ा। मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी से कोई कमी आई है, बट इसमें लेटेस्ट वाली तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ओल्ड कुछ बाइक ऐसी हैं जिसमें हेडलाइट की प्रॉब्लम काफ़ी है। ये मैकेनिक भाई भी समझते इस चीज़ को। मैं क्या करूँगा, इसका डाटा चेंज कर दूँगा जिससे एम्पियर भी बढ़ जाएंगे और जो पावर बोल्ट है वो भी बढ़ जाएगा और आपका बल्ब भी फ्यूज नहीं होगा। इस कॉइल को हम आपको दोबारा रिवाइंड करके दिखाएंगे कि कैसे रिवाइंड की जाती है, कौन सा डाटा इसमें डाला जाता है। बस आशा है कि आप तमाम चीज़ों को यदि हमारे चैनल पर देखते हैं तो हम आपसे एक ही उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट तरवई, आप लोगों की इस उम्मीद से अपने चैनल को और आगे तक ले जाएंगे। नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये स्टार बाइक की तरह ही, जो स्टार सिटी होती स्टार बाइक की तरह ही कॉइल है, लेकिन इसका कुछ डाटा चेंज करके हमें रिमाइंड करना पड़ा, क्योंकि ये CD डीलक्स मॉडल में बाइक में लगी हुई है। होंडा की जो गाड़ी होती है CD डीलक्स में, तो आप लोगों ने देखा था बोल्ट के खुल जाने से जो उसके ऊपर चकनट लगी रहती है, कैप वो खुल जाने से ये पूरी तरह कॉइल पिस चुकी थी, पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। हमने आप लोगों को बताया ये कॉइल डैमेज हो जाने के कारण पूरा इसका ग्रिफ सिवाई ग्रिफ जो वायर भरा रहता है वो पूरे कट गया था, इसकी स्लाइड पूरी कट चुकी थी। हमने इसको दोबारा रिवाइंड किया है, बल्कि रिवाइंड करने के साथ साथ में इसमें कुछ डाटा चेंज किया है। इसके प्रत्येक खांचे में 92 टर्न के हिसाब से 92 टर्न, जी हाँ 92 टर्न के हिसाब से 20 नंबर गेज के वायर से हमने इसको रिवाइंड किया है। उससे क्या होगा, जो होंडा गाड़ियों की सबसे बड़ी एक विशेषता है,
कि स्लो एक्सीलेटर में इसकी हेडलाइट बिल्कुल डिम हो जाती है, आगे गड्ढे भी दिखाई नहीं देते। हाई एक्सीलेटर लेने पर तो हमें लाइट सही दिखाई देती है। अतः इस कॉयल में कुछ संशोधन कर दिया गया है जिससे स्लो एक्सीलेटर में सेम लाइट मिले और हाई एक्सीलेटर में भी हमें लाइट सेम मिले। अतः इस कॉयल को रिवाइंड करने के लिए कुछ डाटा चेंज करना पड़ा, जिसके आधार पर हमारे आउटपुट में जो करंट निकलेगा वो अच्छा निकलेगा, एम्पियर भी अच्छे निकलेंगे और हाई स्पीड एक्सीलेटर करने पर भी हमारी बल्ब का कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे हेडलाइट का बल्ब कभी फ्यूज नहीं होगा। आप देखिए, इस कॉइल को हमने रिवाइंड किया है, बिल्कुल फ्रेश कॉइल हो चुकी है, जबकि कितनी डैमेज कॉइल हो गई थी। अतः आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप कभी भी देखें, हमारे मैकेनिक भाई देखें, यदि किसी मोटर बाइक में कोई स्क्रू अगर कॉइल प्लेट के पास कस रहे हैं, उसको फेवी बॉन्ड, मैक्सो बॉन्ड आदि से लगा कर कसें, जिससे झटका लगने पर या गाड़ी चलने पर हमारा स्क्रू बैक ना हो, खुले ना, जिससे गाड़ी की कॉइल पर कोई नुकसान ना हो। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही, आप लोगों को यूनिक जानकारी देता हूँ। अतः पुनः निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। नमस्कार।